हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया कुछ अच्छा सा डिश ट्राई करने चलते हैं जो बहुत ही कम समय में बन जाए। तो मैं गैस की तरफ बढ़ती हूँ, मैंने गैस बंद ऑन कर दिए हैं। इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड डालूँगी। आज मैं खट्टी मीठी राइस बनाने जा रही हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएंगे, बहुत कम टाइम में बनेंगे भी और आप लोग को बहुत टेस्टी लगेंगे भी। मैंने 2 स्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। इसमें मैंने मूंगफली डालूंगी, इसे मैं सबसे पहले फ्राई कर लें। देख सकते हैं तो किस तरीके कर रहे और इसे मम्मी एंड लोग मैंने बादाम को फ्राई कर लिए हैं। अब उसी रिफाइंड में मैं सबसे पहले जीरा डालें। जीरा जब तक होने लगे तो आप हरी मिर्च डाल दें। एक प्याज मैंने इसमें कट करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं टमाटर, एक टमाटर छोटा सा टमाटर मैंने लिया है, उसे भी आप मिक्स कर लें। आप दोनों को मिला लें। 1 चम्मच के लगभग आप नमक इसमें डाल दें। इसमें 1 चम्मच के लगभग इसको मिक्स करें। मैं इसे मीठा और नमकीन दोनों फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए इसमें आप हल्का सा चीनी भी डालें। इसमें आधी चम्मच के लगभग डाल दें। मैंने चावल पहले से बना कर रखे थे, उसको इसमें डाल करके आप 1 से 1.5 गिलास के लगभग मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। 1 सीटी बिल वाले और थोड़ा कढ़ाई चावल रखे ताकि खिला नहीं लगे, लेकिन इसे अच्छे नहीं लगे, खिले खिले नहीं आएंगे। इसी तरह आप जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो मैं इसमें, ये आप देख सकते हैं मैंने मूँगफली को भून लिया था जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लें। भुना हुआ जीरा इसमें डाल लें और 2 स्पून के लगभग मैंने नींबू का रस लिया है, इसे भी आप बंद करके ऐड कर लें। इससे आपको मीठी टिक्की वगैरह अच्छी खासी आ जाएगी और बहुत ही टेस्टी। आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुके हैं और मैं इसे ट्रांसफर करके सर्व करते हुए आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप ओनियन से और ग्रीन चिली से, आपके पास अगर धनिया पत्ता अवेलेबल हो तो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खट्टा मीठा चावल है, चावल की रेसिपी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और इसे इंजॉय करें और कैसा बना वो मुझसे शेयर करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।